Hello everyone, this is Neet Kamal and I welcome you all to the official channel of Broadway Joy Academy. This video is for all of you guys who want to know the difference between semi-formal and formal letter. बहुत सारे students हैं जो इस चीज़ में जो general training को pursue कर रहे होते हैं वो इस चीज़ में confused रह जाते हैं कि what is the difference between a semi-formal letter and formal letter और वो दोनों को एक जैसे समझ लेते हैं मगर नहीं इन दोनों में हैं कुछ differences. इस video को end तक देखते रहिए ताकि आपके जो differences हैं और उनको कैसे solve करना है वो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ सेमी फॉर्मल लेटर एक सेमी फॉर्मल लेटर इज रिटन टू द वन जिनके साथ आप कॉर्डियल रिलेशंस शेयर करते हैं लेकिन आप उन्हें ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज रिटन टू द नेबर और योर कलीग्स एट वर्क अगर आप काफी दिन से अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा पाए हैं देन यू आर राइटिंग अ लेटर दैट यू वांट टू जॉइन योर कलीग्स सून द टाइप ऑफ लेटर व्हिच यू विल बी राइटिंग वुड बी योर सेमी फॉर्मल अगर बात करूं मैं फॉर्मल लेटर की इट इज टोटली कि आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी अपने हेड को लिख रहे हैं किसी मैनेजर को लिख रहे हैं किसी एडिटर को लिख रहे हैं और ये वाली जो लेटर्स होती हैं बेसिकली कंप्लेंट्स के ऊपर होती हैं रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर होती हैं ऐसी लेटर्स आप लिखते हैं तो अब अगर मैं बात करूं कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ रहते हैं डिफरेंसेस रहते हैं कि ओपनिंग सैल्यूटेशन क्लोजिंग सैल्यूटेशन साइनिंग ऑफ में और द पर्सन टू होम यू आर राइटिंग ये तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं जो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर में आते हैं ओपनिंग सैल्यूटेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम सेमी फॉर्मल लेटर की बात करें उसमें यू कैन बिगिन विद डियर एंड देन यू कैन राइट द सरनेम The surname should be a foreign name, वो ज़्यादा presentable रहता है अगर मैं बात करूँ formal letter की as you are writing to some unknown person, it can be an unknown person as well, तो आप उसके लिए salutation, opening salutation जो है वो dear sir या madam ही हमेशा रखेंगे अब मैं बात करूँगा closing salutation की तो अगर semi-formal letter है you will always write yours sincerely, because कहीं ना कहीं आप उनके साथ cordial relationship share कर रहे हैं अगर मैं बात करूँ formal letter की you will write yours faithfully And end your letter like this. Closing statement की अगर मैं बात करूँ तो वो इन दोनों में सेम ही रहती हैं You have to just greet the person और वो बहुत formal way में होना चाहिए अब यहाँ पे है third difference that is कि आप किसे लिख रहे हैं letter जैसे कि मैंने बात करी semi-formal letter is written to neighbor और the colleagues at your workplace and whereas आपके जो formal letter है उसको आप लिखते हैं अपने किसी manager को boss को या company को कि जिनसे आपने सामान लिया था और वो complaint आप दे रहे हैं किसी को तो उस basis पे आप जो refer कर रहे हैं person को you are referring to some unknown So these were some of the basic differences between semi-formal letter and formal letter. और एक चीज़ यहाँ पे मैं टिप आपको देना चाहूँगी कि जो भी जनरल ट्रेनिंग परस्यू करते हैं और अपनी राइटिंग टास्क में प्रॉब्लम क्रिएट उनके हो जाती है बुलेट पॉइंट्स को लेके आपको कभी भी एक बॉडी पैराग्राफ में सभी बुलेट पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड करना यू हैव टू राइट सेपरेट बुलेट पॉइंट्स इन सेपरेट बॉडी पैराग्राफ्स आप इस टिप को फॉलो कीजिए एंड देन चेक योर रिजल्ट्स एंड योर बैंक स्कोर दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स दोस्त हु आर परस्यूइंग जनरल ट्रेनिंग और जिनको अपने बैंक स्कोर्स का टारगेट 7 एंड अबव चाहिए आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो या आप डायरेक्टली हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9216780780 पे कॉल कीजिए थैंक यू